अरे हाँ भाई हाँ, मुझे भी पता है, बहुत दिन हो गया हेडशॉट के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा हेडशॉट का सीक्रेट बताने वाला हूँ। अरे बताऊंगा क्या, हैंड कैम के साथ दिखाने वाला हूँ, जिससे आपका मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज पर खतरनाक हेडशॉट लगने वाला है। आप जो भी गन से गोली चलाओगे, एनिमी को ओनली रेड नंबर हेडशॉट ही लगेगा। तो आप लोग यार लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकंड, ये क्यों कॉल कर रहा है अभी? हेलो, कुछ कर रहे हो क्या? हाँ काम कर रहा हूँ, क्या हुआ? नहीं छोड़ो, तुम तो काम कर रहे हो। मैं क्या बोल रही थी कि आज घर पे कोई नहीं है। क्या 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 क्या? अरे बेबी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। नहीं कुछ भी काम नहीं है मेरा। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो गाइस देखो, हेडशॉट मारने का सबसे इजी तरीका है स्ट्रेट ड्रैग। ये सबसे बेसिक होता है, अगर इसको सही से करना सीखे तो सारा काम हो गया समझो। चाहे यूएमपी से रेड नंबर मारने की बात हो या फिर डेजर्ट से वन टैप, ये ट्रिक सभी में काम करता है। बट मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप में से ज्यादातर बंदों को एक सीक्रेट ट्रिक पता ही नहीं है। अगर वो पता चल गया तो आप हैकर के जैसा हेडशॉट मारने लगोगे। देखो मैं वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, आपको सारा कुछ है 5 सिंपल स्टेप्स में पता लग जाएगा। एंड ये जो सेकंड नंबर पॉइंट देख रहे हो ना, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि असल में वही सीक्रेट ट्रिक है। पहला पॉइंट लक्ष्य यानी एमिंग। देखो आजकल बंदे एम को लेकर इतने कंफ्यूज हैं, उनके सामने ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। वैसे इसका आंसर किसको बताए कमेंट करके बताओ। देखो फ्री फायर में दो तरीके के बंदे होते हैं, कोई बोलता है अपना एम को रेड कलर का रखकर ड्रैग करो हेडशॉट लगेगा, तो और कोई बोलता है नहीं अपना एम को व्हाइट रखो। बट असल में बात किसका सच है, रेड एम अच्छा है या फिर व्हाइट एम? देखो मेरा मानो तो ये चीज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका एम बंदे के हेड पर लॉक होना, नहीं समझे? देखो कहीं कहीं केस में जब भी बंदा दूर होता है यानी लॉन्ग रेंज पर होता है, तो उस जगह आपको रेड एम रखना पड़ेगा अगर आप उसको हेडशॉट मारना चाहते हो। अगर बॉडी मारना चाहते हो तो कहीं पर भी रखो यार। बट वहीं पर अगर बंदा पास में है एंड आपने गलती से बंदे के ऊपर अपना एम को रख लिया यानी रेड कलर का कर लिया, तो आप जितना भी कोशिश करो उसको हेडशॉट नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एम बॉडी पर लॉक हो जाएगा। एंड कुछ वैसे ही अगर बंदा शॉर्ट रेंज पर है एंड आप व्हाइट एम रखते हुए मारते हो, देन आपका पक्का हेडशॉट लगेगा, जैसे अभी मेरा लग रहा है। बट वही सेम चीज व्हाइट कलर का एम अगर आप तब रखोगे जब भी बंदा दूर होगा, तभी आपका गोली एनिमी पर लगेगा ही नहीं, सर के ऊपर से निकल जाएगा। आई होप आप समझ गए। एंड एक और बात, बंदे बहुत ज्यादा बोलते हैं कि एनिमी के चेस्ट पर एम रखकर ड्रैग करो तुम्हारा हेडशॉट लगेगा। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत हेडशॉट लगता है, बट ये सही तरीका नहीं है। एनिमी आपके सामने हमेशा ऐसे तो सीना तान के खड़ा नहीं होगा ना कि ले मुझे हेडशॉट मार ले। एंड ए ट्रिक इसलिए भी इफेक्टिव नहीं है, अगर आपका एम थोड़ा सा चेस्ट से नीचे गया, देन आपका सिर्फ बॉडी शॉट ही लगेगा, क्योंकि आपका एम को बॉडी खींच लेगा। देखो आप सिंपल है, दो तरीका यूज करो, आपका हेडशॉट आराम से लगेगा। पहला अंडर द फीट टेक्निक, इसमें सिंपल अपना एम को एनिमी के पैरों के नीचे आसपास रखो एंड सीधा ड्रैग कर दो, आपका हेडशॉट कुछ ऐसे लग जाएगा। अरे बहुत ज्यादा सिंपल है यार, अपना एम को नीचे रखो एंड सीधा ड्रैग करो एंड आपका हेडशॉट लग जाएगा। नहीं तो सेकंड नंबर ट्रिक अपर हेड टेक्निक, इसमें क्या करना है, अपना एम को एनिमी के मुंडी से थोड़ा सा ऊपर रखना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एंड देन आपको अपना फायर बटन को स्पीड से नीचे लाकर ऊपर खींच देना है। एंड ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, आपका हेडशॉट लग जाएगा। एंड गेस आप सबसे बड़ा गलती क्या करते हो, आपको अभी तक पता नहीं है फायर बटन को कैसे ड्रैग करना है। एंड एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से आपका हेडशॉट नहीं लगता। एंड यही है वो सेकंड नंबर सीक्रेट ट्रिक। टेंशन मत लो, मैं आपको हैंड कैम में बिल्कुल आसानी से दिखाकर समझा दूंगा। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब आप मत करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट भाई लोग वीडियो को एक लाइक करने से YouTube और भी बंदों के पास इस वीडियो को पहुंचाएगा, सो प्लीज एक लाइक कर दो यार। इस वाली वीडियो का लाइक एम हम लोग रखते हैं 50K, ठीक है? ओके, हमारा सेकंड पॉइंट है खींचने की प्रक्रिया यानी ड्रैग प्रोसेस। देखो एक नॉर्मल बंदे को अगर आप बोलोगे स्ट्रेट ड्रैग मार, वो क्या करेगा, सीधा अपना फायर बटन को ऊपर खींचेगा, यही तो होता है ना। बट यहीं पर ही सारा खेल है। देखो हमारा फ्री फायर में कैमरा मूवमेंट पार्ट जो होता है, जो कि राइट साइड का एरिया होता है, वो लेफ्ट वाली एनालॉग पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है। देखो कितना डिफरेंस है यहाँ पर। इसलिए जब भी आप फायर बटन को खींच रहे हो तो तभी बिल्कुल 90 डिग्री में मत खींचो, आपको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ अपना फायर बटन को खींचना है। पहले नॉर्मल देखो, उसके बाद हैंड कैम में देख लेना, आपको अपना फायर बटन को थोड़ा सा राइट साइड के एंगल में ड्रैग करना है। एंड ये चीज ही हेडशॉट का सीक्रेट है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो अभी के अभी ट्रेनिंग मैच में जाओ एंड ये चीज करके देखो, आपका नॉर्मल से ज्यादा हेडशॉट 100% लगेगा। ओके, फायर बटन को ड्रैग कैसे करना है तो सीख लिए, बट अगर उसको सही स्पीड से ड्रैग करना नहीं सीखा तो हेडशॉट की बात भूल ही जाओ। तो इसीलिए हमारा थर्ड पॉइंट है खींचने की गति यानी ड्रैग स्पीड।
ज्यादा आपका दिमाग खराब नहीं करूंगा, ये तीन चीज याद रखो आप ड्रैग स्पीड समझ जाओगे। सबसे पहला, बंदा जब भी क्लोज रेंज में होता है उसको मारने के लिए ज्यादा स्पीड से फायर बटन को ड्रैग करो, क्योंकि क्लोज रेंज में डिफॉल्ट एम ज्यादा काम करता है, इसलिए आपको जोर से खींचना पड़ेगा। सेकेंड, बंदा जब भी दूर यानी लॉन्ग रेंज पर है वहां पर कोशिश करो अपना फायर बटन को स्लोली धीरे से ड्रैग करो, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा हमारा एम उतना फ्री होता है एंड लॉन्ग रेंज में तो बिल्कुल चिपकता ही नहीं है, इसीलिए स्लो ड्रैग करो। एंड लास्ट में, अगर एनिमी ना ही दूर है ना ही पास है, अगर ऐसे सिचुएशन है जहां पर एनिमी मिड रेंज में है तो आपको ज्यादा जोर भी ड्रैग नहीं करना है कि ज्यादा स्लो भी ड्रैग नहीं करना है, मीडियम करो आपका हेडशॉट लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है खींचने की अवधि यानी ड्रैग ड्यूरेशन। देखो, बंदों के दिमाग में हमेशा ये चीज रहता है कि हम लोग अपना फायर बटन को ड्रैग तो करेंगे बट उसको कितना टाइम खींच कर रखना है एंड कब छोड़ना है। देखो, ये चीज डिसाइड करता है तुम कैसी गन चला रहे हो। अगर तुम स्प्रे वाली गन चला रहे हो लाइक UMP जैसी, तो तुम्हें 2-3 सेकंड तक फायर बटन को खींच कर रखना है जब तक गोली तुम्हारा रिकॉइल ना हो। बट अगर तुम वन टैप वाली गन यूज कर रहे हो लाइक डेजर्ट ईगल, तो यहाँ पर आपको ज्यादा देर तक फायर बटन को खींच कर नहीं रखना है, 0.5 सेकंड या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड फायर बटन को ऊपर खींच कर देन छोड़ देना है, तभी जाकर आपका परफेक्ट एम लॉक एंड हेडशॉट लग पाएगा। ओके, हमारा लास्ट पॉइंट जो है असल में वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी काम का नहीं है। अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि बोलते हैं मैंने तो सारा ट्रिक एंड सेटिंग फॉलो किया तभी भी मेरा क्यों हेडशॉट नहीं लग रहा है, मेरे दोस्त तुम्हें ट्रिक की नहीं प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं यहाँ पर आपको कोई हैक नहीं दे रहा हूँ जिससे आपका ओनली हेडशॉट ही लगेगा, मैं जो भी चीज आपको बताता हूँ मैं खुद 5-6 साल में इस गेम से ही सीखा है। वैसे जो 2 वीडियो आप देख रहे हो इसमें मैंने कुछ ऐसे चीज आपके साथ शेयर किए हैं जो कि आपका हेडशॉट गेम को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, तो मेक श्योर आप इन वीडियो को मिस ना करो। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है देन वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके जाना।